सर्वोदय नमस्कार, माय सेल्फ मोहित राज योर मैथ टीचर। टुडे वी विल कंटिन्यू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो यूक्लिड ज्योमेट्री में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम लोग डील करेंगे, इंसिडेंट एज्यूम ऑन लाइंस। तो इंसिडेंट एज्यूम्स ऑन लाइंस है, देखिए क्या क्या लाइंस की प्रॉपर्टी है। लाइन कंटेन इनफाइनाइट मेनी पॉइंट, मीन्स एक लाइन इनफाइनाइट मेनी पॉइंट कंटेन करता है, सही है। कोई लाइन आप ड्रॉ करोगे जिसमें बहुत सारा पॉइंट होगा इनफाइनाइट। थ्रू ए गिवन पॉइंट इनफाइनाइट मेनी लाइन कैन बी ड्रॉ, किसी एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट मेनी लाइन क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉ टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट ए एंड बी। दो पॉइंट से, किसी भी दो पॉइंट से, सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोई एक ही लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं किसी दो लाइन से। तो ये लाइन की प्रॉपर्टी थी। अब आते हैं कोलिनियर पॉइंट के पास। देखिए कोलिनियर पॉइंट क्या है, थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट आर सेड टू बी कोलिनियर इफ देयर इज ए लाइन विच कंटेन देम ऑल। कोई तीन पॉइंट है, तीन या तीन से ज़्यादा है, कोई एक ही लाइन अगर सारे पॉइंट को कंटेन करता तो सारा पॉइंट क्या हो गया, कोलिनियर पॉइंट हो गया। देखिए यहाँ ए बी सी एक ही एक स्ट्रेट लाइन कंटेन कर रहा है, तो हेयर ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट। अब यहाँ पी क्यू आर, देखिए पी क्यू आर से कोई स्ट्रेट से एक स्ट्रेट लाइन पास नहीं करेगा, इससे अलग और इससे अलग, तो पी क्यू आर नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट जो है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग से समझ में, इंटरसेक्ट करेगा, लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे। टू लाइन हैविंग ए कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। दो पॉइंट, ये अगर दो लाइन का एक कॉमन पॉइंट है, देखिए ये पॉइंट ओ है, इस लाइन को भी कंटेन करा और इस लाइन को भी कंटेन करा, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है। कोई भी दो लाइन या तो इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल रहेगा, ये आप लोग जानते हो। तो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन है। बोले किसी एक कॉमन पॉइंट, अगर कॉमन पॉइंट है तो वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। द पॉइंट कॉमन टू टू गिवन लाइन आर इज कॉल्ड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो पॉइंट कॉमन रहता है ना दोनों लाइन का, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो है। चलिए नेक्स्ट है कनकरेंट लाइन। थ्री और मोर लाइन इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट आर सेड टू बी कनकरेंट। तीन या तीन से ज़्यादा एक ही लाइन पर अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं कनकरेंट लाइन। देखिए ये सारे लाइन जो है एक ही पॉइंट पीस पे सब लोग क्या कर रहे हैं, सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये तीनों लाइन क्या हो गया, लाइन एल एम और एन आर कनकरेंट लाइन। यहाँ लिख सकते हैं कि लाइन्स एल एम एंड एंड आर कनकरेंट लाइन्स। अब आते हैं प्लेन। तो प्लेन इज अ सरफेस सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन इट लाई ऑन इट। कहते हैं कि प्लेन इज अ सरफेस, एक प्लेन का एक सरफेस है सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन इट लाई ऑन इट, तो वो प्लेन हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है पैरेलल लाइन। टू लाइन्स एल एंड एम इन ए प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन एंड वी राइट एल पैरेलल एम। अगर दो लाइन जैसे ये है, इस दोनों क्या है एल और एम, दोनों पैरेलल, अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है दोनों में तो दोनों पैरेलल लाइन कहलाता है, ये हमारा पैरेलल लाइन है। अब है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स ऑलवेज रिमेंस द सेम। कहीं से भी दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लो, सब क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, सारा सेम रहेगा। तो ये हमारा पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट है। ओके, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके आगे डील करेंगे। ओके, थैंक यू।